千円の。ये देखो हाँ। आपकी भी ऐसी बंदी कच्ची तो नहीं लग रही ना, क्योंकि इससे ज्यादा तल रही हूँ तो वो फट रही है। हाँ तो ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अभी तुम्हारी लेना कसूर है। हाँ अभी थोड़ी देर से निकलूंगी। हाँ खेत आए सब अच्छा बच्चे खेत आए। अच्छा अरे वाह अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही थी? मैं गुजिया बना रही थी शोएब के लिए, ये देखिए। अच्छा अच्छी बनी है। उनको ना ये पसंद है, अम्मी के हाथों की ये गुजिया उनको पसंद है। इस साल अम्मी नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा मैं अम्मी से पूछ के बना देती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी दिख रही है। जी तो खाते जी, आप आओगे इंशाल्लाह तब दोबारा बना दूंगी आपके लिए। दीपिका ने बनाई शेप के लिए अम्मी के जैसी गुजिया, अम्मी को किया मिस। दीपिका ने अम्मी को कॉल करके पूछी रेसिपी और बनाई सेम अम्मी के जैसी गुजिया। शेब इब्राहिम ने खाकर बताया कि बिल्कुल अम्मी के जैसी हैं गुजिया। शेब इब्राहिम शूट पर थे, दीपिका वहीं पर पहुंच गई है। दीपिका जिस तरह से शेब इब्राहिम का ख्याल रखती है, पसंद ना पसंद का, तो ये बहुत अच्छी बात है। काफी ऐसे फैंस है जो पूछते हैं दीपिका से कि तुम आखिर कैसे जीत लेती हो दिल शुएब का और साथ देती है अम्मी शुएब की पसंद नापसंद का। और दीपिका जिस तरह से अम्मी किससे ज्यादा लगाव रखती है, तो वाकई में ऐसी ही बॉन्डिंग हर बहू सास की हो। रूहान भी काफी बार जा चुका है शूट पर अपने पापा से मिलने के लिए, और देखिए आप दीपिका कितना खुश होती है रूहान के साथ शूट पर आकर। रूहान जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है रूहान की क्यूट हरकतें। और आपका क्या कहना है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। आपसे ज्यादा चाहते हैं वीडियो पसंद आए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।